के ऊपर हम सीबीआई जांच भी मांगते हैं कि इसकी जड़ों तक जाया जाए कि इसका आदेश किसने दिया। आप सबको नमस्कार और धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आप सब यहां पर पधारे। विषय है राजस्थान और राजस्थान में जो सरकार है उस सरकार की अव्यवस्था। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक के बाद एक लगातार वहां पर रेप की घटनाएं हो रही हैं और एक एक घटना अपने आप में एक साधारण व्यक्ति को शर्मिंदा करने वाली घटनाएं, और एक नहीं अनेकों, जैसे कि कोई सरकार वहां चल नहीं रही और एक कैलेंडर बना हो वहां पे रेप की वारदाताओं का। एक के बाद एक घटनाएं होती हैं और ये वारदाताएं हो रही हैं। बिल्कुल नकारात्मक राजनीति, संवेदनहीन राजनीति, जहां सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किसी ना किसी तरह मोदी सरकार को घेरा जाए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ही भूल दी जाए। अब मैं आपको एक के बाद एक बताता हूं ये घटनाएं कि किस तरह से आज राजस्थान नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर नंबर वन पोजीशन पर पहुंचा है महिलाओं के ऊपर अत्याचार पर। टोटल 2019 में जो देश भर में जो घटनाएं हुई वो तकरीबन 32,000, जिसमें से राजस्थान के अंदर 6,000, नंबर वन राज्य, और दूसरा जो स्टेट है वो पीछे है, काफी पीछे, आधे से भी कम। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? और ये है कैलेंडर। 5 मार्च को हनुमानगढ़ में बेल पर रिहा बलात्कार आरोपी ने पीड़िता को जिंदा जलाया, ये 5 मार्च को। 6 मार्च को कोटा में गैंगरेप की घटना, एक नाबालिग से 6 दरिंदों ने रेप किया। 8 मार्च को महिला दिवस पर अलवर के थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराने वाली पीड़िता के साथ पुलिस अधिकारी ने बलात्कार किया। 5, 6, 8 और 8 ही तारीख को जयपुर में एक चलती कार के अंदर एक गैंगरेप हुआ, जिसके अंदर 3 कारें और 11 लोग शामिल, वो भी 8 मार्च को। और 6, 7, 8 यहां खत्म नहीं हुआ। 9 मार्च टोंक में एक मां और बेटी को निर्वस्त्र कर पीटने की खबर, उसके आगे की जांच हो रही है। 10 मार्च को उदयपुर में महिला की हत्या, जिसमें से 2 आरोपी बांग्लादेशी। 11 मार्च को अलवर में बलात्कार हुआ और रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस अधिकारी के खिलाफ, तो पीड़िता के घर पे बिजली काट दी गई, उसको बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया गया। एक के बाद एक चल रही है। 14 मार्च महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट के अंदर ही तैनात एक पुलिस अधिकारी बलात्कार पीड़िता उनके पास अपना रिपोर्ट दर्ज कराने गई, उनसे सहायता मांगने गई, उसी के साथ रेप हो गया। एक के बाद एक घटनाएं चल रही हैं। 15 मार्च राजस्थान में बारा में एक बाइक पे गांव से लौट रही एक दंपति और उनकी छोटी बहन, उसको रास्ते में रोका गया, बंदी बनाया गया, पति के सामने, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बताना चाहता, दरिंदगी हुई। एक के बाद एक घटना हो रही है, खत्म नहीं हुई अभी। 16 मार्च कोटा में एक 15 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप की दर्दनाक घटना हुई और उस रिपोर्ट लिखवाने के लिए उनको मना कर दिया गया और धमकी दी गई कि अगर रिपोर्ट लिखवाई गई तो उनके साथ एक भयानक घटना होगी। एक के बाद एक घटना चल रही है। मेरा यह कहना है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये सारी घटनाएं नजर नहीं आती? क्या कांग्रेस के किसी भी नेता को, कांग्रेस की किसी भी पार्टी को, उनकी जो छोटी सोच के बियॉन्ड जो राजनीति होती है वो नजर नहीं आती? राजस्थान के अंदर मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार को चुना है, उनको जिम्मेदारी दी है, कांग्रेस की सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और वो अपनी जिम्मेदारी कहां निभा रहे हैं? वो तो सरकार बचाने में लगे हुए हैं और सरकार बचाने से फुर्सत मिले तो जनता की सेवा करें।
और सरकार बचाने के लिए हर तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। फोन टैपिंग का मामला आपके सामने आया है, 69A और टेलीग्राफ एक्ट का मिसयूज लगातार कांग्रेस सरकार बार बार बोल रही है मिसयूज होना नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। और किस सरकार ने मिसयूज करा? उन्हीं की कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में बैठी है उन्हीं ने मिसयूज करा और असेंबली के अंदर इसको स्वीकार करा। जब एक प्रश्न लिखित प्रश्न पूछा गया सरकार से तो उन्होंने स्वीकार करा कि फोन टैपिंग हुई है। जबकि अगर आपको याद हो जब सरकार गिरने की स्थिति थी आंतरिक झगड़े हो रहे थे तो उन्होंने यह कहा था कि अगर फोन टैपिंग हुई हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन आज लिखित रूप से वहां पर कांग्रेस सरकार ने इसको स्वीकारा है कि फोन टैपिंग का मामला हो रहा है। तो जनता की रक्षा कहां करेंगे, इनको कहां फुर्सत है जनता की रक्षा करने के लिए? अभी आपने मैंने जो आपको भी आंकड़े दिए, कोई भी मामला महिला के खिलाफ या बच्चियों के खिलाफ कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कि एक जगह तो पूरा अपना जोर लगा देना, मीडिया के अंदर हाहाकार मचा देना और दूसरी जगह ये एक लंबी मैंने पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिखा दी है। इस लिस्ट के अंदर एक वहां जाना तो दूर, एक ट्वीट भी नहीं हुआ है राहुल गांधी द्वारा या प्रियंका गांधी द्वारा, एक ट्वीट भी नहीं हुआ। वहां जाने की बात तो बहुत दूर है। ये जो फिलॉसफी है ना इनकी कि बस आंखें बंद रखो और वक्त गुजर जाएगा, हाथरस हाथरस मंत्र रटते रहो और सारा काम हो जाएगा, ये नहीं है संभव आज के जमाने में। और ये जनता बिल्कुल देख रही है और असहाय है राजस्थान की जनता। एक ऐसा राज्य जो अपनी बहादुरी के लिए माना जाता है, जो देश प्रेम के लिए माना जाता है, वहां पर आज और महिला सम्मान के लिए माना जाता है, वहां पर आज ऐसी घटनाएं लगातार एक के बाद एक हो रही हैं। और उसके बावजूद भी ना राज्य सरकार उसके ऊपर कोई काम कर रही है, ना ही केंद्र में उनके जो बड़े नेता हैं जो पूरे देश भर का भ्रमण कर रहे हैं लेकिन राजस्थान नहीं आ पाए, जहां उनकी सरकार है वहां वो नहीं आ पाए। एक राहुल गांधी आई टेस्ट होना चाहिए, राहुल गांधी आई टेस्ट कि क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता। राहुल गांधी आई टेस्ट में पूछा जाए ये दिख रहा है आपको बलात्कार की घटना, उसके बाद ये दिख रहा है बलात्कार की घटना, ये दिख रही है बलात्कार की घटना, ये सारी घटनाएं राहुल गांधी टेस्ट में नहीं नजर आएंगी, एक के बाद एक ये सब नजर नहीं आएंगी उनको। शर्म की बात है राहुल गांधी जी के लिए भी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कि एक असंवेदनशील राजनीति कर रहे हैं, एक बहुत ही नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं जहां एक ही उनका लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसका उसकी तरफ ध्यान लोगों का भ्रमित करो, लोगों का ध्यान हटाओ, लेकिन जो उनकी खुद की जिम्मेदारी है वो बिल्कुल नहीं निभा रहे। ये मामला जो फोन टैपिंग का है ये लगातार हम उठाएंगे इस मामले को कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी तो ना करके आप जनता का फोन टैपिंग कर रहे हो। अपनी ही सरकार आज अपनी ही जनता के ऊपर जासूसी कर रही है और जासूसी का लक्ष्य क्या है? ये नहीं कि देश मजबूत हो जाए, कि देश के दुश्मन कोई आतंकवादी पकड़ा जाए। कौन सा आतंकवादी पकड़ा गया इस फोन टैपिंग से? कौन सा आर्थिक भ्रष्टाचार सामने आया इस फोन टैपिंग से? कौन से गुंडे पकड़े गए जरा राजस्थान सरकार हमें बताए, जो महिलाओं या छोटी बच्चियों के ऊपर एक संकट पैदा कर रहे थे, कौन से ऐसे गुंडे थे जो पकड़े गए? नहीं हुआ। सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य पूरा करने के लिए टेलीग्राफ एक्ट और 69A जिसकी बार बार कांग्रेस चर्चा करती रहती है और लोगों को ऐसा भ्रमित करती है कि ये बीजेपी की सरकार है जो तंत्रों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके सामने आ गया है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अगर पिछले कुछ महीने कुछ सालों के अंदर किसी सरकार ने अगर तंत्रों का गलत इस्तेमाल करा और उसे असेंबली के अंदर स्वीकार करना पड़ा तो वह राजस्थान की कांग्रेस सरकार।
और ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके सुनने वाले भी जानते हैं कि ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है। ये दशकों से यही काम करते आए हैं और यह भी स्पष्ट है कि आने वाले समय में जहां पे भी इनकी सरकार होगी ये ऐसे ही तंत्रों का गलत इस्तेमाल करेंगे। किसी ने मुझे लिखकर भेजा ये कि राजस्थान में लुट रही हैं अस्मतें, थानों में हो रहे हैं बलात्कार, करने गहलोत जी का यशगान कब आओगे, हाथरस पहुंच गए भैया बहन दोनों, यह तो बताओ राहुल जी आप राजस्थान कब आओगे। राजस्थान में आने का इनका हिम्मत ही नहीं है। और सरकार को बचाने से फुर्सत मिले गहलोत को तो एक बार महिलाओं को बलात्कार से बचा लीजिए, यह हमारा निवेदन है। अपना धर्म का पालन एक बार कर लीजिए। और फोन टैपिंग अगर करनी ही है, जो भारत के संविधान में अनुमति है, तो ऐसे लोगों को करिए जहां पे कोई आर्थिक नुकसान भारत को हो रहा हो या फिर कहीं आतंकवादी भारत के अंदर हो, आम नागरिकों के ऊपर यह फोन टैपिंग ना करें। किसी को प्रश्न हो? इस फोन टैपिंग के ऊपर हम सीबीआई जांच भी मांगते हैं कि इसकी जड़ों तक जाया जाए कि इसका आदेश किसने दिया। क्योंकि अगर गहलोत साहब ने यह कहा उस समय कि अगर फोन टैपिंग हुई हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो हो सकता है गहलोत साहब ने नहीं दिया। और अगर गहलोत साहब ने नहीं दिया तो मुख्यमंत्री के अलावा कौन व्यक्ति है जिसने फोन टैपिंग करवाई? तो इसमें सीबीआई की पूरी जांच होनी चाहिए। ये मुझे लगता है सीएम साहब भी चाहेंगे, राजस्थान के सीएम साहब भी चाहेंगे कि इसमें सीबीआई की जांच हो कि उनके अलावा किसने आदेश दिए। और जरूर अगर उनका मॉरल कंपस सीधा है गहलोत साहब का, तो वो अपनी बात पे अडिग रहेंगे और इस्तीफा देंगे। ये तो पहली बार है कि किसी खेल के अंदर जो एक टीम है वो बोल रही है दूसरी टीम मेरे को बैठने नहीं दे रही, मेरे को जमने नहीं दे रही। ये तो हमारा काम है एज अपोजिशन कि उनकी कमियां दूर करें। और क्या कमी है, ये कोई कमी बताएंगे? ये तो शर्मनाक बात है। ये कोई मैं कमियों में नहीं गिनता, ये जो कैलेंडर है ये किसी भी सरकार दुनिया के किसी भी कोने में अगर इस तरह का कैलेंडर वहां पर हो तो इससे बड़ी शर्मनाक बात उस सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। चाहे किसी साधारण नागरिक की फोन टैपिंग हो, चाहे किसी ऑपोजिशन लीडर की फोन टैपिंग हो, लक्ष्य होना चाहिए देश की सुरक्षा। लेकिन इसमें मुझे बताइए देश की सुरक्षा कहां है, इसमें आर्थिक सुरक्षा कहां है, इसमें देश को खतरा कहां पर है? यह सिर्फ मात्र सरकार को बचाने के लिए तंत्र का गलत उपयोग करा गया है और अब उन्होंने अपनी असेंबली में इसको स्वीकार कर लिया है, तो अब तो कोई ना कोई इसके ऊपर एक्शन होना जरूरी है। देखिए बीजेपी आपके माध्यम से यह बात जनता तक पहुंचाना चाहती है कि जिस सरकार को जनता ने वहां पर अधिकार दिया शासन करने का, जिस सरकार को जनता ने यह मैंडेट दिया कि वो जनता की रक्षा करे, आज अड़ोस पड़ोस से जितने गुंडे हैं सब राजस्थान में पहुंच गए हैं, नहीं तो ये घटनाएं कैसे होती? और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है क्योंकि जो रक्षक हैं आज वही भक्षक बन गए हैं, तो जनता किसके पास जाएगी? तो आपके साथ आपके माध्यम से तो हम जनता तक पहुंचेंगे ही, लेकिन असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सड़कों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी उतरेगी, क्योंकि जनता की रक्षा करना यह हमारा धर्म है। सेशन में जब जाएंगे तो आप देखिएगा। सर आपने कहा राहुल गांधी का आई टेस्ट होना चाहिए, सिलेक्टिव मामलों में वो जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर जाते हैं, चाहे कोई तलाकदार का मामला हो या कानून व्यवस्था का मामला हो, और जहां कांग्रेस का शासन है जो बहुत कम जगह पर है वहां पर नहीं जाते, ये क्या आप सिलेक्टिव राजनीति का आरोप लगा रहे इस तरह के मामलों? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आई टेस्ट उनकी करने की जरूरत ही नहीं है,
ये एक भारत में एक ऐसा टेस्ट हो जाना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए राहुल गांधी टेस्ट, जिसको सिर्फ कुछ चुनी हुई चीजें ही दिखाई देती हैं, वो राहुल गांधी टेस्ट में वो फेल होगा। ये है टेस्ट सीधा, ये ऐसी चीजें उनको दिखती नहीं है राहुल गांधी को जो उनके राज्य के अंदर हो रही है। वो बाकी सारी उनको एडवाइस दे देंगे, सारी उनसे एडवाइस ले भी लेंगे, लेकिन जो जनता की जो रक्षा की बातें हैं वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी किसी को दिखाई नहीं दे रही। And still this happens in their ruled state. What is it, the message, clear message that you want to give to the top two leaders, Sonia Ji and Priyanka Ji? It's a very good point that you've just brought out. The top two leaders of Congress, in fact, when you say top two, you left out Rahul Gandhi. Well, he's been demoted by you, but nevertheless, the top two leaders are women, and yet I have read out a whole calendar of rapes and gang rapes and misbehavior with women in Rajasthan. I think this is only possible if political leadership forgets its prime objective of working for the people. When the prime objective changes to coming in power, remaining in power, or pursuance of power, phir us पावर के अंधकार के अंदर आप मानवीयता भूल जाते हैं और आप जो राजनीति में आने का जो लक्ष्य होना चाहिए हर व्यक्ति का वो आप भूल जाते हैं। दैट इज ऑल आई कैन से। सर, एक सवाल मेरा इस सब्जेक्ट से हटके है थोड़ा। कल केंद्र सरकार जो कानून लेकर आएंगे दिल्ली के लिए, उसको लेकर आज भी चिदंबरम ने ट्वीट किया है और कई विपक्षी नेता भी ट्वीट कर रहे हैं। चिदंबरम कह रहे हैं कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है और इंसल्ट ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली। वी विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। और जब भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जब अपने वोट बैंक को देखकर अपने अपने निर्णय लेते हैं या वोट बैंक को देखकर अपने मैसेजेस पूरे देश को देते हैं तो वो देश के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। चाहे वो हाथरस की बात ले लो, चाहे वो बाटला की बात ले लो, जब इस तरह से एक ही चीज के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करा जाता है, उस मुद्दे को हटाकर एक दूसरा मुद्दा बना दिया जाता है, चाहे तुष्टीकरण का मुद्दा हो या फिर किसी दूसरी सरकार को, गैर कांग्रेस सरकार को घेरने का हो, तो फिर जो मुद्दे होते हैं उस मुद्दे से राजनीति भटक जाती है। और यही कारण है कि आज जो देश की जनता जागरूक है वो ऐसी बातों को पूरी तरह से समझती है। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने बाटला एनकाउंटर के अंदर उनके समर्थन में, आतंकियों के समर्थन में बात रखी थी और पुलिस के अगेंस्ट में बात करी थी। दिल्ली पुलिस का मुराल उससे नीचे कितना हुआ ये शायद ये राजनीतिक लीडर सोच भी नहीं सकते। और इस बात पर मैं ज्यादा ना जाकर इतना ही कहूंगा कि आपकी देश की सेना, आपकी देश की पुलिस और सब नागरिक इस बात को समझते भी हैं और इससे उन सबका मुराल भी कम होता है जब कोई राजनीतिक लोग अपने वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये पूरा मामला तो उनका इंटरनल ही है, इंटरनल झगड़े चल रहे हैं कांग्रेस के अंदर, केंद्र में कांग्रेस पार्टी में भी चल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में भी चल रहे हैं, लेकिन इन झगड़ों की वजह से जनता परेशान हो और अव्यवस्था हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल टूट जाए और हर महिला को, हर बच्ची को अपने आप की रक्षा करना पड़े तो यह मंजूर नहीं। आपको या तो अपना धर्म का पालन करना है,
या आपको इस्तीफा देना है। थैंक यू। The perfect place for you to start your Bitcoin mining empire. Finding it difficult to get a better job, or are you struggling with your finances? Dear spectators, as you all know, is today a very important day. ये है रिया जो बन गई है मोजो स्टार के कारण इंटरनेट की सुपरस्टार। भयंकर सिंगल गर्ल्स और बॉयज के लिए मैं लेके आई हूँ ये स्कूल ऑफ डेटिंग का रियलिटी शो। हेलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। वेलकम टू रीगल टूर्स, दुबई's ट्रस्टेड नंबर वन ट्रैवल एजेंसी। Today in this video, we will explain how to enroll your college in Asia's biggest national championship. चलो बच्चों को बचपन याद दिलाएं, इन तकनीकों से थोड़ा दूर ले जाएं। Breaking news alert! On the mic with Mike is the best business radio talk show in RBA.